जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विसूत्री मांगों को लेकर आगामी 14 सितंबर से पूरे राज्य में ट्रक का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि कोरोना काल के दौरान पूरे एक वर्ष का रोड टैक्स सरकार माफ करे। भोजपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 20 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक वर्ष का रोड टैक्स माफ करने की मांग प्रदेश अध्यक्ष ने की। इस अवसर पर ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय यादव के अलावा कई ट्रक ऑनर उपस्थित थे। मांगती है तो आने वाला 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन ट्रक का चक्का जाम होगा। कोई ऐसा काम जो इन्होंने किया है आपको भागया हो? सब काम अच्छा किया है, आज तक जो काम किया है वो अच्छा ही किया है। कई ट्रक ड्राइवरों के साथ घटना घटी है। संगठन के प्रति सब इतना लाजवाब हुआ है कि पूरा बिहार इनको पीछे पहुंचता है। अब इसके बच्चे तो मैं और आपने जब अध्यक्ष बने हैं उस समय से कितनी कामयाब हुए आप अपने उद्देश्य में? जी? आप अपने उद्देश्य में कितना कामयाब हुए? मैं कुछ झोला लेके चला था, जितने हमारा संगठन बना तो मैं झोला लेके चला था, और ये आज कितना बड़ा बोरा है मैं कह नहीं सकता। आज हमारा संगठन 36 जिला और 67 संगठन, एक बार वार्ता पर समझा पूरा बिहार निकाल। आप भोजपुर का दौरा लगातार इधर कई महीने में कई बार आपने किया, कितना विकास हुआ भोजपुर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का? बहुत, जब से इनको बनाया है तो हमको लगता है जो ये आदमी दुखहरण है। कौन आदमी? हमारा अध्यक्ष जो है पर। क्या नाम है? अजय कुमार यादव, और ये दुखहरण का काम करके हनुमान की तरह से रोड पर दिन और रात जब भी कोई घटना घटती है तो ये रोड पर ही मिलता है और सारी सभी घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है। तो आप मान, तब आप मान रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे अपने अजय को? अच्छा काम करते, क्यों नहीं, क्यों नहीं।